भैया हो सवाई के लाए जय गणेश की, राम राम पहुंचे। हमारे संगे हैं तिलक यादव, आज जन्मदिन है, 60 के पूरे हो गए। तो भैया तुम लोग इनके बीच में लेके आए हैं, और एक बता दें परिचय के मोहताज तो वैसे ही नहीं, पर ललितपुर की राजनीति में आजकल घमासान मची है, इनसे चर्चा करने और जन्मदिन की बधाई देने। भैया तिलक भैया सबसे पहले तो जन्मदिन की राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काकन चौक जनता से पहले तो सीधे सीधे जन्मदिन पे। जन्मदिन आज देखिए हमारा तो जन्मदिन, हम अपना जन्मदिन कभी मनाते नहीं, लेकिन हमारा जन्म सारी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि आज बड़े महापुरुष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और इसलिए सारी दुनिया में लोग आज सेलिब्रेट करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम भारत में जो परिस्थितियाँ आज हैं, जिस तरह से भारत की सरकार काम कर रही है, तो उसके चलते आज महात्मा गांधी की प्रासंगिकता फिर बढ़ गई है, क्योंकि जिन अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने और पूरी देश की जनता ने आंदोलन किया था, उस जो वो जो अभियान था देश को अंग्रेजों से मुक्त करने का, साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से जो गुलामी है उससे मुक्त करने का, लेकिन आज जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी है विशेषकर, और राज्यों में उत्तर प्रदेश की जो हालात है, वो निश्चित रूप से उससे ये लग रहा है कि हमको ये फिर अंग्रेजों के युग में ले जाना चाहिए, पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में देश को देने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और आज इसलिए गांधी जी की प्रासंगिकता है, गांधी जी जो कहते थे कि देश का आम आदमी जो सबसे नीचे खड़ा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक ये देश आज़ाद नहीं माना जाएगा। तो हम आज आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, लेकिन सही मायने में हम आज आज़ाद नहीं हैं। आज तमाम जो है परिस्थितियाँ प्रदेश में इस तरह की बनती जा रही हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, जिनकी जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती है, खरीद फरोख से गुंडई करके वहाँ सरकारें बना ली जा रही हैं, जहाँ पे कोई भी लोकतंत्र के हित में बात करता है या मानवाधिकार की बात करता है, वहाँ तुरंत उसको प्रताड़ित किया जाने लगा है। तो आज जो है सारी जो संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और तमाम संस्थाएं हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सबको कब्जे में ले लिया गया है। पूरी तरीके से आज तानाशाही में हम जी रहे हैं। देखने में आ रहा हो कि जो लॉकडाउन हटे जब से, उसके बाद बड़ा विरोध देखने को मिला, खूब उदम हो रहा हो, बलात्कार भी हो रहे, तो मर्डर भी हो रहे, उदम भी हो रहा, विपक्ष भी उदम कर रही, सरकार भी तानाशाही दिखा रही, जो का माहौल है, काहे बच गए ऐसा पूरा। देखिए कोरोना के नाम पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना को अब महामारी को भी अवसर बनाना चाहिए, तो इन्होंने महामारी को एक अवसर बना लिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह कोरोना आगे चल के जब कभी ये सरकार जाएगी, तो अगर इसकी जाँच होगी, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला निकलेगा कोरोना। इसमें आप देख रहे हैं 800 की चीज 1800 2800 4800 में खरीदी जा रही है, पूरी तरह से लूट बची हुई है कोरोना। मुख्यमंत्री का चुकन नहीं रहे, शांत बैठे, देख रहे हैं तो ईमानदार है, फ्री छोड़ दो तो सबके लाए, उसका ऐसा हो भी लगे, घोटाला हो भी लगे, ईमानदारी तो खत्म हो गई फिर। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री की आंख के नीचे हो रहा है सब। मुख्यमंत्री जिन अधिकारियों को बैठाले हुए हैं वो मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी, डीजीपी फंस गए एसआईटी की रिपोर्ट में। देखिए कि जो भी अधिकारी, खासकर मुख्यमंत्री जी योगी कहते जरूर है, लेकिन वो योगी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, क्योंकि साधु सन्यासी तो राजपाट छोड़ के जंगल में बैठता है, अपने मठ में बैठता है, तो मठ से बाहर आके सरकार चला रहे हो, तुम्हें सरकार में आने का मतलब तुम एक आम इंसान की तरह, और आम इंसान का उन्होंने प्रमाण भी दे दिया, वो अभी तक अपने आप को एक अपनी जाति को नहीं छोड़ पा रहे, अपने सरकार इस तरह चला रहे हैं जैसे कि उनकी और उनकी जातियों की जातिवाद के आरोप तो सपा पे लगते, सपा जातिवाद ऊपर से नीचे तक सब सपा ही सपा के बैठे। आज आप देखिए ना, यादव बैठे, देखिए अखिलेश जी की सरकार में कुल 5 या 6 कलेक्टर होते थे यादव, तो ये विपक्ष और इसके अलावा सारी मीडिया चैनल हल्ला मचा देते थे, यादवों की सरकार है, यादवों की सरकार है, 5 या 6। आज 50 डीएम और एसपी ठाकुर बैठे हुए, कोई बोल रहा, कोई चैनल बोल रहा, अब दवाई जा रही, और बोलता है कोई तो उठा के बंद किया जाता है। आप देख रहे हो, आज देखिए हमारी जो बेटी जिसके साथ हाथरस में, मनीषा उसके साथ एक दलित बेटी थी, उसके साथ किस तरह जो है, और जिन लोगों ने वो काम किया है वो कौन लोग थे सब दुनिया जान रही है।
वो डीएम है, वो एसपी है, वो थानेदार है, वो डीजीपी है, वो मुख्यमंत्री है, क्या होगा? लीपापोती चल रही है। रात में 3 बजे आप जो है हमारे हिंदू संस्कृति को के खिलाफ काम करके रात में 3 बजे उस बेटी को उसकी माँ बाप का चेहरा नहीं देखने दिया गया, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होती है। हमें लगता है कि ये सरकार को अब इस प्रदेश में योगी सरकार को रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। तो मायावती ने तो कही इस्तीफा दे दे, तो क्या हो रहा रोड पता ही नहीं रही मायावती तो। हम देखिए मायावती जी की आप बात छोड़िए, विपक्ष ही एकजुट नहीं है पूरी तरीके से। विपक्ष एकजुट की जरूरत ही नहीं है, अकेले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है कि इनको 2022 में उखाड़ फेंकेगी, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, अखिलेश जी जिस तरह हम लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं, आज हम लोग लगातार इसके खिलाफ आंदोलन लट भी तो कर ले, कल लट कर आएंगे हम। राहुल गांधी जैसन के लिए धक्का देगा, पटक दोगे उन्हें, रोक दोगे। देखिए हम लोग इस अच्छा लोकतंत्र का चाहने के लिए तो सब लोग अन्य बोल रहे हो, लाठियां भी खाएंगे हम, गोलियां भी खाएंगे हम, जेल भी जाएंगे, लेकिन हम इस लोकतंत्र विरोधी और इस बेईमान सरकार को उत्तर प्रदेश में अब नहीं रहने देंगे। ये हम लोगों ने कल राहुल गांधी के संग जो हुआ, प्रियंका वाड्रा के साथ जो हुआ, ऊपर बताओ क्या कह रहे हैं। नहीं ये बहुत ही निकृष्ट काम है, ये अधिकारी नहीं, विपक्ष बोल रहा है क्यों नहीं, राहुल गांधी बोलने गए ना, समाजवादी पार्टी के लोग बोलने गए कि नहीं, राहुल गांधी जब गए उसके पहले समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाठियां बस रही हैं, उनके चेहरे फटे हुए हैं, उनके हाथ टूटे हुए, समाजवादी पार्टी सड़क पे आके रात दिन काम कर रही है। दलितन की लायंस रोडन पे चाहे समाजवादी पार्टी है बाउदम कर रही या कहें लड़ाई लड़ रही, सोनिया गांधी ने भी कही, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी सब तो भगत फिर रहे, बीजेपी पान की कोई मुंह तक नहीं खुल रहे, और वे जो स्मृति ईरानी हती और भी जो उनके बाल कल्याण के जो नेता हैं जो कचू कचू नहीं कर रहे। देखिए बीजेपी अब महिला आयोग सब शांत परिका है बिल्कुल। देखिए बीजेपी में जो लोग हैं आज हमें मालूम है, बीजेपी के लोग भी त्रस्त हैं, लेकिन उनको दबा लिया गया, कई विधायक तो बोला जवान नहीं खोल पा रहे, जो लोग बोलते हैं उनको आप देख रहे हो किस तरीके से कानून का उल्लंघन करके और काम किए जा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से ठोको नीति चल रही है। बाबा डरा तो नहीं गए, बाबा तो नहीं डरा, ब्यूरोक्रेसी हावी है, बाबा कछु नहीं कर पा रहे, बाबा फेल है, बाबा बाबा डरा तो नहीं गए, फंस तो नहीं अंदर से कछु पंचायत को कायदे से अपने मठ में जाके और वहाँ अपने घंटा बजाना चाहिए, वहाँ पूजा करना चाहिए और अपनी तिलम विलम लगा के अपना काम करें हैं, उनको प्रदेश नहीं संभाल सकते, प्रदेश संभालना कोई बहुत बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मतलब है आधा हिंदुस्तान। नेतन की वे सुनते ही नहीं है, समझे तो है, ब्यूरोक्रेसी के संग बैठ गए। ब्यूरोक्रेट तो आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है जरा सी भी मोहलत उसको मिल जाए तो वो दुलप्ती मानने लगता है। आज आप जहाँ जिस तरह के लोग बैठाले हुए हैं उस उनकी केवल एक ही काम है किसी तरह पैसा कमाना, किसी तरह जो है भ्रष्टाचार करके। योगी जी कह रहे हम तो ईमानदार है, हमारे विधायक सांसद मंत्री सब ईमानदार है, पर घोटाला कैसे हो रहा, शांति का है, चुप्पी का है। आप कह रहे हैं आपने देखा एक एसएसपी का नोएडा के एसएसपी का बयान आया था, उसने पूरी पोल खोल दी थी, बाद में जो एसआईटी 80 लाख 70 लाख रुपया लेके एसपी और डीएम को उनकी पोस्टिंग की जा रही है, उन पे कार्रवाई हो गई थी, उसको तो हटा दिया, लेकिन जो लोग कर रहे थे, जो डीजीपी कर रहा था या जो और गृह सचिव बैठे हुए थे या सचिवालय में जो लोग बैठे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, एसआईटी जांच में भी और है। कौन देखिए भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता, नीचे से ऊपर, ऊपर से जा रहा हो तो ऊपर भ्रष्टाचार है तब तो नीचे भ्रष्टाचार है, अगर नीचे का भ्रष्टाचार शुरू होगा ऊपर वाला दबा देगा, लेकिन जब ऊपर से ही भ्रष्टाचार है। आज आप देखिए विकास के कार्य ठप थे, सारे जो बुलेट ट्रेन चलवाई गई थी, इतने सब तो हो रहा, 20,000 करोड़ को पैकेज, 20 लाख करोड़ को पैकेज घोषणा कर दी थी। अखिलेश जी ने जो विकास की धारा इस प्रदेश में बहाई थी उसको रोक दिया गया। नाम तो बदल दो, 100 को 102 हो गए, करे तो विकास 112 कर दो, 102 तो छोड़ो, जितने विकास के काम थे 3.5 साल से ज्यादा हो गए, कोई काम अधूरा। आप देखिए ललितपुर में ही मैं कह दूं कि ये ओवर ब्रिज अखिलेश जी ने मंजूर किया था स्टेशन का, देवगढ़ रोड का, आज तक नहीं बना, 3.5 साल हो गए। आप देखिए जितनी सड़कें अखिलेश जी मंजूर करके गए थे आज 3.5 साल में भी नहीं बनी। अखिलेश जी ने जो काम किए थे उन कामों का ही फीता काट रहे हैं योगी जी, इनने कछु करी नहीं, इनने कुछ किए नहीं, तो करे हुए इनने किया है, क्या करे वही बता दो, कछु करे इनने किया, ये समाजवादी पार्टी कछु तो मानत के कछु करे वो बता दे, क्या है अखिलेश जी के कामों का फीता काटा है, अपनी फोटो लगाई है और उद्घाटन महिला सुरक्षा के लिए, और महिला सुरक्षा तो आप देख रहे हैं किनमें आनंद से लेके गए सेंगर, अपराधियों को बचाने को काम करेगा, सेंगर कौन था, इनकी जात बिरादरी का था, इसलिए सेंगर के साथ क्या होगा। अगर आप लोग चैनल और पत्रकारों ने पीछा नहीं किया होता और विपक्ष के ने अगर हमारे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने विरोध नहीं किया होता, सेंगर का क्या होने वाला था बताओ।
तो आज जो है, आज जो मनीषा के साथ हुआ, कल अभी बलरामपुर में घटना हुई, वहां भी उस दलित बेटी को वहां भी रात में 12 बजे करा दिया। तो रोज उत्तर प्रदेश में 11 से 12 बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में रोज। मतलब कुछ सरकार जो कह रही हो कछु रहो, सरकार तो कह रही है अपराधी छोड़ के भाग जाए, अब कितने जाए कोरोना में, जेल में भी नहीं घुस पा रहे, सबसे बड़े अपराधी तो सरकार में बैठे हैं, इन्हें छोड़ के जाना चाहिए, इन्हें छोड़ के जाना चाहिए, सरकार में बैठे हैं, खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। इतनी निर्लज्जता किसी आज तक राजनेता नहीं की होगी, मतलब जो अपने मुकदमे खुद वापस ले रहा। एक समझ, चूंकि आप पुराने नेता हो, पुराने सब कुछ देखे, कांग्रेस को राज भी देखे, सपा की सरकार भी देखी, मायावती जिस तरीके से सबके लिए पकड़े जा रहा हो, कार्रवाइयां हो रही, पहले कहूँ देखी ऐसे? देखिए, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, ये लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आतंक का राज, ये आतंक का राज करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता बोलेगी, कभी तुम झुका नहीं सकते उनको। बड़े बड़े अहंकारियों के राज देख लिए, और इस देश ने तो बड़े बड़े अत्साहियों का राज देखा है, तैमूर लंग से लेकर और जितने बड़े बड़े तानाशाह यहाँ हुए हैं उनका राज देखा है। यहाँ की जनता बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, और अपने उसूलों के लिए लड़ने वाली है, आज नहीं तो कल इसका जवाब इनको दिया जाए और जनता जवाब दे। सड़कों की स्थिति क्या है आपके ललितपुर की? ललितपुर की और बता दो सड़कों की। सड़कों की स्थिति जो है कि पहले जो सड़कों में गड्ढे होते थे, अब गड्ढों में सड़क दिखती है कहीं। अखिलेश सरकार की सड़कों की स्थिति क्या बची? अखिलेश जी ने जो सड़कें बनाई थी वो समाप्त कर दी, इनने उसका मेंटेनेंस नहीं किया, देख नहीं कर काम ही नहीं किया, धरोहर दे दी, वहां भी नहीं संभाल पा रहे, ये तो बेच रहे धरोहर। अखिलेश जी ने इतना बड़ा, अभी आपको पता होगा जो जयप्रकाश नारायण का जो है वो बनाया था है, उसको बेच रहे हैं। जो चीजें अखिलेश जी बना के गए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना के गए, जो अखिलेश जी ने बड़े बड़े एम्स बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाई, उनको जो प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं रोजगार। दिल्ली में नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, यहाँ पे ये बेच रहे हैं रोजगार के नाम पे। तो हर गांव में नौजवान हजारों की संख्या में बेरोजगार है, रोज नौजवान हमारे पास आते हैं, सैकड़ों नौजवान जो कहते हैं हमें नौकरी तो मिलना नहीं, हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की कई तो आती, वही में नौकरी हो जाए, वही में लोन हो जाए, सब हो जाए, तो दिखता दिखा दिख क्यों नहीं रहा, वो कहाँ है वो 20 लाख? इनके नेता भी तो नहीं दिख रहे अब, वो तो नेता तो मलाई छानने में लगे हुए, तो मलाई छान रहे। आधे सपा वाए बीजेपी में चले गए, कांग्रेस ही बीजेपी है, मायावती की पार्टी बीजेपी की होगी, तो अब बीजेपी से बराई का है, आधे दोस्त तो आपके वही में है। नहीं नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी भ्रष्टाचारी है जिसको सपा ने निकाला बीजेपी ने ले लिया, ये तो एक धुलाई वाशिंग मशीन है, बीजेपी कहती है हम वाशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्ट आदमी डालो और उधर से वो स्वच्छ होकर निकल आएगा। जितने बेईमान है आज भाजपा में वो सब स्वच्छ हो गए, आप देख रहे हैं, जिनको भाजपा कहती थी माधवराव, ये ज्योतिराज सिंधिया को गद्दार, ये गद्दार का है, इनके बाप दादे गद्दार थे, ये गद्दार हैं, और उन्होंने रानी झांसी के साथ गद्दारी की। अब सिंधिया जी वहां पहुंच गए, आरएसएस के जो धर्म गुरु हैं उनके, आरएसएस के उनके पांव छुआ है, अब क्लीन हो गए, अब कहने लगे जी बहुत बड़े देशभक्त, घर वापसी हो गई उनकी। तो ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं इस देश में, सारी दुनिया में हम समझते 2000 साल के इतिहास में कोई राष्ट्राध्यक्ष इतना झूठ नहीं बोलता होगा जितना झूठ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे, चुनाव भी कराए, बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी उपचुनाव है, तो इस चुनाव में अब क्या होगा? चुनाव पे जो जनता इनको जवाब देने वाली, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में भी जनता इनको जवाब देने वाली, क्या रहे स्थिति कछु तो ये हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। अब ये बेईमानी, ये केवल इनके बाद बेईमानी रह गई, ये बेईमानी से चुनाव जीतना चाहेंगे, ये ईवीएम के सहारे जीतेंगे, ये गुंडई करके जीतेंगे, ये कोरोना के नाम पे ये लोगों को 144 के नाम पे लोगों को अपनी लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान सबको मम्मा मम्मा कहते हैं कि हम मम्मा है, तुम घरे बैठो, तुम्हें क्या करने है हमें। शिवराज सिंह चौहान तो मामा कंस है, मम्मा है लेकिन मामा कंस है। अच्छा जी, मामा कंस, शिवराज सिंह चौहान मामा कंस, मामा कंस हैं। इनके लिए जो है इनको एक कृष्ण चाहिए जो उनको निपटा देगा। तो कौन है कृष्ण की भूमिका में, किसको देखा? अभी आएगी, देखो आप, जनता ही कृष्ण की भूमिका में, बहुत भीड़ जुड़ रही कमलनाथ के संग, तो जनता ही जन कृष्ण के रूप में आएगी, आईना दिखे अब, और इनको आईना दिखाया जाएगा, मानो को आईना दिखाया जाए। जन्मदिन है 2 अक्टूबर गांधी जी को भी है, एक तिलक भैया को है,
तो जन्मदिन पे आखिरी बताइए चौथ के का दे रहे जनता स्वामी जी सुनिए आपके चैनल के माध्यम से आप तो मन वो आप तो शांत बैठे थे दो घंटा शांत बैठे रहे घामे में। मैं जो है अपना रोज जन्मदिन मानता हूँ और मैं हर अपने साथी से कहता हूँ कि जन्मदिन जो आदमी रात में सो के सुबह जाग जाता है, सुबह जब आप जागते हो तो आपका वो नया जन्म है। इसलिए हम रोज जन्मदिन मानते हैं, रोज वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं, आज में जीना सीखते हैं। आज हम अपने साथियों से कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, भूतकाल और जो निकल गया उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और वर्तमान में जीने से ही तुम अपनी एक आनंद पूर्वक जिंदगी को जी सकते हो। 60 में 26 का जो जुनून हो वो दिख रहा हो, देखो बच्चा 60 में 26 का जुनून दिख रहा हो। हम अपने आप को 40 का मानते हैं अभी, 40 को भाई 20 साल तो हम बच्चे थे, 20 साल तक तो आदमी बच्चा रहता है, तो 20 साल निकाल दो तो हम 40 की उम्र के हैं आज। और हम सब अपने 40 के नौजवान जितने हैं हम उनके साथ किसी भी तरह का कंपटीशन करने को तैयार। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी में कछु फूट चाट तो नहीं चल रही अंदर ही अंदर? हमने सुनी बहुत चल रही घमासान समाजवादी पार्टी में, ये तो ललितपुर में कई नेता दिखाई नहीं देते और ना आपने 10,000 आदमी नए कार्यकर्ता जोड़वे की घोषणा कर दी। लग गए खड़े हो भीड़ लगन लगा। देखिए जहाँ यहाँ कोई पार्टी में ना फूट है ना गुटबाजी है, जो अच्छे कार्यकर्ता है उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाति समीकरण बना के, सामाजिक समीकरण और समीकरण बना के सभी जातियों सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों को जोड़ के जो समाजवादी परिकल्पना है, जो डॉक्टर लोहिया की कल्पना थी समाजवाद के लिए, जो मुलायम सिंह यादव की कल्पना थी और जो अखिलेश यादव के निर्देश होते हैं, हम लोग सभी को लेके समाजवादी पार्टी एक ऐसा बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं और वो हर तरह के फूल इतनी सुगंध देंगे कि इस देश में जो बेईमान और भ्रष्ट सरकारें बन गई हैं इनको उखाड़ फेंका जाए। देखो भैया तिलक यादव जी के जन्मदिन पे तुम सबके कैबे पे एक बढ़िया इंटरव्यू हम लेके आए, देख लाई कैसी ऊर्जा के साथ इंटरव्यू मिले, अपनी बात रख दई और हमारी तरफ से भी इनके लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें धन्यवाद और आपको भी हमारी शुभकामनाएं कि आपका ये चैनल बहुत आगे बढ़े और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।